ह्यूमिडिटी और रेन्स का सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है फंगल इन्फेक्शन। आम भाषा में जिसे दाद, खाज, खुजली, रिंगवर्म कहा जाता है, उसको वो फंगस की वजह से होता है और वो फंगल इन्फेक्शन है। अब बात ये है, क्या ये फंगस आप बाहर से कैच कर रहे हैं? नहीं जनाब, फंगस और बैक्टीरिया कुछ जो है वो हमारी स्किन के नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट हैं। उनका काम है जैसे स्वेट को ब्रेक डाउन करना, ताकि आपकी स्किन के ऊपर और कोई इरिटेशन ना हो। लेकिन जब माहौल ऐसा हो जाता है कि उनकी तादाद नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब वो इन्फेक्शन का रूप ले लेते हैं। और बॉडी के अंदर फंगस और बैक्टीरिया का एक बड़ा अच्छा बैलेंस होता है। गर्मी में क्या होता है कि कई बार आपको जैसे फॉलिकुलाइटिस, दाने ज्यादा हो गए, आपने एंटीबायोटिक ली, वो आपने ली तो उसके साथ साथ फंगस बढ़ जाता है। तो हमें उसको बैलेंस में ही रखना है। अगर आप बारिश में भीग गए, आपने सिंथेटिक कपड़े ज्यादा पहने, टाइट कपड़े हैं, या आप डायबिटिक हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, तो फंगस आपके शरीर में इन्फेक्शन के रूप में बढ़ सकता है। फंगस का नाम जिस जगह वो हो रहा है उस हिसाब से कहा जाता है। कैंडिडिएसिस जो है वो कैंडिडा फंगस के हिसाब से होता है, जो अलग तरह का है, जिसमें माउथ में ओरल थ्रश या वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं। लेकिन जो आम फंगस जो हम सबको परेशान कर रहा है वो है डर्मेटोफाइट्स, जिसको हम टीनिया कहते हैं। अब देखिए, अगर सर में हुआ तो टीनिया कैपिटस बोलते हैं, बॉडी में हुआ तो टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं, पैर में हुआ तो टीनिया पीडिस बोलते हैं, और उसके आम नाम भी हैं जैसे एथलीट्स फुट, जॉक्स इच, धोबी इच। ये सब इसलिए है क्योंकि जहां भी वो इन्फेक्शन होगा वो स्किन को इरिटेट करेगा और आपकी स्किन में फिर इरिटेशन, जलन होने लगती है। अब होता क्या है कि जब भी जलन होती है या इन्फेक्शन होता है, ये हम सबकी टेंडेंसी है, पहले तो हम इग्नोर करते हैं, फिर इग्नोर करने के बाद अब जो ओवर द काउंटर आपको क्रीम्स मिल रही हैं उसका आप इस्तेमाल करते हैं। ओवर द काउंटर जो क्रीम मिलती है, जैसे मैं नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फोरडम, क्वाड्रीडम, जो ये ऐसी क्रीमें हैं उनके अंदर ज़्यादातर कॉम्बिनेशन में स्टीरॉयड होता है। तो जब आप इस क्रीम को लगाते हैं तो आपको बहुत राहत मिलती है और आप उस क्रीम को लगाते चले जाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि स्टीरॉयड सिर्फ ऊपर से उस फंगस को दबा रहा है, अंदर ही अंदर उसकी मल्टीप्लीकेशन होती चली जा रही है। तो अब अगर आप इस स्टीरॉयड क्रीम को रोकेंगे तो फंगस चार गुना बढ़ के आएगा, और अगर लगाते रहेंगे जनाब तो स्किन की तो लेयर्स ही खत्म हो जाए है। तो कोशिश ये करें कि अगर आप ओवर द काउंटर भी क्रीम लेके लगा रहे हैं तो उसमें दो से ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए, और कोई भी अगर प्रोप्योनेट, बेटनोवेट इस तरह की चीज है तो उसे ना लगाएं। लेकिन एक रूल और भी है, अगर दो हफ्ते कोई दवा लगाने से आपकी ट्रीटमेंट नहीं हुई, आपका इन्फेक्शन नहीं गया, तो मेहरबानी करके डॉक्टर के पास चले जाइए। आजकल फंगस पेशेंट को जितना परेशान कर रहा है उतना ही हम डॉक्टर्स को भी परेशान कर रहा है, बिकॉज फंगस रेजिस्टेंट हो गया है, क्योंकि आधी अधूरी दवा की गई, डोसेजेस कम की गई। एंटी फंगल जो है वो बहुत माइल्ड मेडिसिन हैं, तो इसलिए उनको कम से कम दो हफ्ता लेना पड़ता है। फंगल ट्रीटमेंट में हम रूल ऑफ टू को फॉलो करते हैं, दो हफ्ते के लिए दिन में दो बार एंड 2 सेंटीमीटर बियॉन्ड द मार्जिन। अगर आपका रिंग इतना है तो आप दवा को फैलाकर लगाएंगे। और मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज मेरा साथ मत छोड़िएगा जब तक ठीक नहीं हो जाते, बिकॉज पेशेंट सिर्फ परेशान होकर डॉक्टर टू डॉक्टर भटकता है और हर डॉक्टर फिर बेसिक से शुरू करता है। तो फंगस स्किन की आखिरी सतह में रह रहा है और उसमें 30 दिन लगते हैं उसको ऊपर आके खत्म होने के लिए। तो जब तक आप लगातार दवा नहीं करेंगे आपको फंगस से निजात नहीं मिलेगी। फंगस के सिम्टम क्या होते हैं ये तो हम सबको पता है, मैं इसलिए आपको आगाह कर रही हूं कि आपको ट्रीटमेंट को किस तरह फॉलो करना है। राउंड पैचेस बन जाते हैं, जो भी बॉडी फोल्ड्स हैं, अंडर आर्म्स, अंडर द ब्रेस्ट, ग्रोइन, पैर के बीच में, यहां पर रेडनेस हो जाती है और उसके बाद उसमें बेहद इरिटेशन हो जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, जब आप बहुत फंगस को बढ़ा लिया, आपने जो तादाद नॉर्मली 10 होती है वो 10,000 हो गई, और जिस दिन आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उस दिन उसका डिस्ट्रक्शन शुरू होता है, तो वो अपने एंजाइम्स रिलीज करती है और ट्रीटमेंट शुरू होते ही आपकी हालत थोड़ी सी बदतर हो जाती है, आपको इरिटेशन और खुजली ज्यादा हो जाती है और लोग फिर दवा छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें, अगर ऐसा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, वो उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ ऐड करेगा। फंगस एक बहुत आम चीज है, फंगस हम सबके अंदर रहती है, और एज आई से कि ये ट्रॉपिकल कंट्री में रहने का टैक्स है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से इसको ले रहे हैं, लेकिन मेहरबानी करके पूरी ट्रीटमेंट कीजिए। एक बार जब वो ठीक हो जाएगी, और ऐसा नहीं है कि ये ऑल और नन है, दोबारा भी हो सकती है, तो आपको सिम्टम पता होने चाहिए। बचने के लिए वही चीज है, अपनी स्किन को ड्राई रखना है, टेलकम पाउडर का इस्तेमाल करना है, कॉटन के क्लोथ्स पहनने हैं, अपने आप को ठंडा रखना है, और बच्चों के जैसे डायपर डर्मेटाइटिस हो जाती है वो भी इसी तरह की चीज है, तो एरिया को थोड़ी देर
खुला रख देंगे, तो अगर एयरिंग रखेंगे और स्किन को ड्राई रखेंगे तो फंगस की तादाद नहीं बढ़ेगी। लेकिन दांत कांच खुजली से परेशान मत होइए, उसके पीछे लग जाइए और उसको उसके घर तक छोड़ के आइए।